हेलो गाइस, एक टॉस मोमेंट चल रहा है अभी। जो यमुना है और पंजाब के बीच में मैच है, तो टॉस रोहित शर्मा ने जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। मुंबई वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू बॉल, तो उन्होंने बॉलिंग करने का फैसला लिया है। तो देखते देखिए, ये रहा मुंबई प्लेइंग एलेवन स्क्वाड, और ये रही पंजाब की स्क्वाड। पंजाब में रोहित शर्मा इंटरनेशनल खिलाड़ी 3 लिए है मुंबई ने, और इन्होंने 4 लिया है। बेन स्टोक्स को लिया है उन्होंने। चलिए, प्रिपेयर होते हुए मैदान की तरफ आ रहे हैं मुंबई की टीम्स। ओपनर जुड़ी आ रही है क्रीज पे, शिखर धवन और मनेका अग्रवाल। मनेका अग्रवाल की इनिंग तो बढ़िया रही। शिखर धवन 70 रन बनाए, मनेका अग्रवाल ने 52 रन बनाए। रितेश शर्मा भी अच्छे रन बनाए हैं। ये दोनों ने स्टार्टिंग में अच्छे तौर पे में अच्छा प्ले किया और अच्छा स्कोर बनाया है। मनेका अग्रवाल ने 52 रन बनाए, 32 बॉल में 6 चौके और 2 छक्के लगाए हैं। और शिखर धवन भी 70 रन बनाए 50 बॉल में, 5 चौके और 3 छक्के लगाए हैं। तम भी, और ये दोनों की पार्टनरशिप भी अच्छी हुई है और अच्छी ओपनिंग दी। रितेश शर्मा ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है, 30 रन बनाए 15 गेंदों में, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है उन्होंने। मनेका अग्रवाल 32 बॉल में 52 रन बनाए, और मुरुगन को 1 विकेट मिला है, 34 रन पे 1 विकेट, 3 ओवर डाले हैं। शिखर धवन 50 बॉल में 70 रन बनाए हैं, उसमें 3 छक्के भी है। अमित तंपी को 2 विकेट, जसप्रीत बुमराह को 1 विकेट मिला, और ये बुमराह ने इनको बोल्ड किया, लिविंगस्टोन को बोल्ड किया। यॉर्कर बहुत सही गेंद थी, बुमराह को 1 विकेट है, 28 रन दे के 1 विकेट 4 बॉल में। जितेश शर्मा जो तो ताबड़ को बल्लेबाजी की है, 15 बॉल में 30 रन बनाए। शिखर धवन 50 बॉल में 70 रन, मनेका अग्रवाल 52 रन, तंपी को 2 विकेट मिले हैं 47 रन देके, मिस्टर बुमराह को 1 भी 2 विकेट 47 4 ओवर में। अच्छी गेंदबाजी की है तंपी ने। नाथकट को भी 1 विकेट मिला है। ये रहा स्कोर, शिखर धवन 70, मनेका 52, जितेश शर्मा सेकंड विनिंग स्टार होते। रोहित शर्मा ने स्टार्ट तो अच्छा दिया था, रोहित शर्मा ने, पर आज कुछ खास नहीं कर पाए, ज़्यादातर तक क्रीज पर नहीं रुक पाए। ईशान किशन भी अच्छे कुछ फॉर्म में नहीं थे आज, और कि पंजाब की बॉलिंग तो एकदम सही थी। ये तो जूनियर एबीडी बीबीएबी, तो उन्होंने अच्छे खेला है, 49 रन बनाए। तिलक भी अच्छे खेला है, 36 रन बनाए 20 बॉल में। उन्होंने एक ओवर में राहुल चार के 29 रन लगाए थे, 4 छक्के मारे थे। देखिए ब्रेविज 49 रन 25 बॉल्स में। आज स्मिथ अच्छी बॉलिंग की है आज। तिलक वर्मा 36 रन 20 बॉल में, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। ब्रेविज 49 रन 25 बॉल में। एस सूर्य कुमार यादव भी 43 रन 20 बॉल में। तिलक तो अच्छी फॉर्म में थे आज, पर एंड तक नहीं टिक पाए। तिलक 36 रन 20 बॉल में, सूर्य कुमार यादव 43। ये रहे रनआउट, फर्स्ट रनआउट, रनआउट हो गए इधर। तिलक तंपी को इधर, तिलक तो रनआउट हो चुके हैं यहाँ पर, फिर भी उन्होंने 46 रन बनाए थे 20 बॉल में रनआउट होने से पहले। सूर्य कुमार यादव तो अच्छे खेल रहे थे, 30 रन बॉल में 43 रन बनाए। रबाड़ा को भी विकेट मिली है यहाँ पे। देखिए रबाड़ा को 2 विकेट मिले, स्मिथ को 4 विकेट मिले हैं, अरोरा को 1 विकेट मिला है। सेकंड रन आउट यहाँ पे मैच का, शायद ये मैच फिसल जा सकता है। स्मिथ 4 विकेट 30 रन देके, रबाड़ा 2 विकेट 29 रन देके। स्मिथ तो अच्छी बॉलिंग की है आज, कमाल की बॉलिंग। देखिए स्मिथ की फिगर्स, 30 रन में 4 विकेट 3 ओवर में। स्मिथ लास्ट ओवर में उन्होंने 3 विकेट निकाले स्मिथ ने। ओडम स्मिथ 30 रन 4 विकेट 3 ओवर में, और रबाड़ो को भी 2 विकेट मिले हैं जो 20
विकेट मिले। अरोरा को एक विकेट मिला है 43 रन देखे 4 ओवर में। अरोरा को एक विकेट, देखिए स्मिथ 4 विकेट, रबाड़ा 2 विकेट और अरोरा 1 विकेट। शानदार कैच पकड़ लिया तमन्ना का अग्रवाल ने, बहुत सही कैच था। विनिंग मोमेंट देखिए, लास्ट ओवर स्मिथ ने किया था, उसमें 3 विकेट निकाला, टोटल 4 विकेट। सब लॉस में है, सब विनिंग मना रहे हैं। डग आउट में देखिए पंजाब के डग आउट फॉर द विनिंग। ये मैच पंजाब ने 12 रन से जीता है। आज नाइट तो पंजाब की नाइट है, 12 रन से मैच जीत लिए। रेस मेरे उन्होंने 198 बनाए थे और मुंबई के अगेंस्ट में 186 बनाए। पंच सुपर स्ट्राइकर रहे हैं जितेश शर्मा, ड्रीम इलेवन गेम चेंजर स्मिथ रहे। तो अन अकेडमिक प्रिवेट्स को मिल दिया है डेवल, क्रेडिट पावर प्लेयर मन्ने का अग्रवाल, सेट ऑफ स्टॉक का अवार्ड मिल गया है शिखर धवन, अश्विन की फर्स्ट डिलीवरी, जस्टिप बुमराह और रूपे मन्ने का अग्रवाल को मिला है। गाइस हेलो गाइस, हम लोग देखने वाले स्कोर कार्ड एंड मैच समरी जो मुंबई इंडियंस एंड पंजाब के बीच में हुआ था। समरी एम आई एंड पंजाब के बीच में, देखते एम आई ने टॉस जीत के पहले गेंदबाज ली थी। पंजाब में देखिए बैटिंग मन्ने का अग्रवाल और शिखर धवन ने अच्छी बैटिंग की। एंड में जितेश शर्मा ने भी अच्छी बैटिंग की है। मन्ने का उनके देखिए मन्ने का अग्रवाल का पहला विकेट गया, जो बिस्टोन का दूसरा, लिविंगस्टोन कुछ कर नहीं पाए आज। खास शिखर धवन ने भी अच्छा रन बनाया 70 रन। देखिए पावर प्ले में 65 रन, कोई विकेट नहीं था। मिडल ओवर में 67 रन 3 विकेट, डेथ ओवर में 66 रन 2 विकेट गए थे। ये एनालिसिस है ओवर एनालिसिस। और देखिए एमआई की बॉलिंग कुछ खास नहीं कर पाए, तंपी नहीं 2 विकेट गए। जय देवनाथ को 1 विकेट मिला है, जस्टिन बुमराह को 1 विकेट मिला है, मुर्गन को 1 विकेट मिला है। एमआई के बैटिंग स्कोर देखते हैं, स्कोर कार्ड तो रोहित शर्मा कुछ खास नहीं कर पाए। डेविल्स ने 49 बनाए थे, तिलक ने जोड़ी अच्छी खेली 36। और देखते पॉली विकेट पावर प्ले में 2 विकेट चले गए थे और उनकी पार्टनरशिप अच्छी हुई थी तिलक और देवल्स के बीच में। ओवर एनालिसिस देखते पावर प्ले में 42 रन 2 विकेट, मिडिल ओवर में 104 रन 2 विकेट, डेथ ओवर में 40 रन 5 विकेट। डेथ ओवर में ही मैच इनकी 5 विकेट चले गए। बॉलिंग लाइनअप अच्छा था इनका, अरोरा को 1 विकेट मिला है, रबाड़ा को 2 विकेट मिले हैं और आज स्मिथ ने तो कमाल ही कर दी, उन्होंने 4 विकेट निकाले हैं। मैच समय देखते पंजाब ने 198 बनाए थे, मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट में 186 ही बना पाए, इसलिए पंजाब वन बाय 12 रन। पॉइंट टेबल देखते हैं आफ्टर द मैच, मुंबई 10th पोजीशन पे, ये मैच हार गया। किंग्स इलेवन पंजाब 3rd पोजीशन पे 6 पॉइंट के साथ, उनका रन रेट भी प्लस में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके कमेंट भी दीजिए और आइकॉन बेल को प्रेस करिए।